मित्रों, कई लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि असमय ही उनके बाल सफेद हो जाते हैं, यानी कम उम्र में ही बालों में सफेदी आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। और इसका मुख्य कारण होता है कि कुछ गलत सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग करना, कुछ गलत तेल लगाने से बालों में समस्याएं होती है। शेष खान पीने में भी ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। बाजार में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके खाने से आपके बालों में इसका इफेक्ट पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्य तीन उपाय बताएंगे और ये प्राचीन उपाय हैं, रामबाण उपाय हैं, जिनके प्रयोग से आपके बाल प्राकृतिक रूप से काले, घने और लंबे भी हो जाएंगे, अगर आप इस उपाय का सही ढंग से प्रयोग करेंगे। देखिए, ये जो चीजें होती हैं तो ये प्राचीन चीजें हैं और दुर्लभ होती हैं, हर स्थानों में ये आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो ये आपको मिल जाएंगी। और जिनके पास ये समस्याएं हैं वो इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। इसमें पहला उपाय आपको बता दें तो गोरख मुंडी के बारीक चूर्ण को पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें, प्रातःकाल उससे सिद्ध होएं। इससे बाल आपके काले होंगे, चमकदार हो जाएंगे और घने भी होंगे, और ये कार्य आप 7 दिन तक लगातार करें। इसके बाद दूसरा उपाय, त्रिफला और आंवले के 100 ग्राम की मात्रा में दोनों को ले लीजिए, यानी 100 ग्राम आंवला चूर्ण और 100 ग्राम त्रिफला के चूर्ण को 100 ग्राम सरसों के तेल में भिगो दीजिए और धीमी आंच पर पकाइए कुछ देर तक। फिर इसमें तेल के बराबर यानी 100 ग्राम भांगरे का रस आप मिलाकर अच्छी तरह से फिर से पका लें। जब आपका ये तेल थोड़ी देर पक जाए तब उसे चिकनी हांडी में रखकर, यानी एक मिट्टी के चिकनी हांडी में रखकर जमीन में गाड़ दीजिए। 7 दिन तक उसे उसी अवस्था में जमीन में रहने दीजिए। उसके बाद निकालकर उसमें से थोड़ा थोड़ा तेल सिर में प्रतिदिन लगाइए और तनिक भी सर में हवा ना लगे, यानी तेल लगाने के बाद आप उसको सिर को किसी कपड़े से या किसी ऐसी चीजों से ढक लें जिसमें सिर में हवा ना लगे। इसके बाद ये प्रयोग आप लगातार 15 दिन तक करें और संभव हो पाए तो दूध का आहार जरूर सेवन करें। इससे आपके बाल जो है जड़ से काले हो जाते हैं, घने हो जाते हैं और जहां बाल नहीं उगते हैं वहां भी बाल